देख सकते हैं इस फ्रिज में लाइट जल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा है। तो अक्सर इस तरह की एक प्रॉब्लम होता है, तो मामूली का एक सिंपल प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हमें आ जाना है फ्रिज की बैक साइड पर। तो यहाँ पर हम बैक साइड पर आ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस ड्रेन वाटर टैंक को जो है आपको खोल के निकालना है, उसके बाद कंप्रेसर में आ जाना है। इसको मेन लीड जो है हमने निकाल दिया है, देख सकते हैं मेन लीड को आपको इस तरह निकाल के रखना है। देख सकते हैं कंप्रेसर में ये जो कैप है, ये कैप आपको निकालना है। और यहाँ पर आपका दो चीज़ लगा हुआ आता है जिसका नाम होता है रिले और OLP, देख सकते हैं। तो अक्सर इस तरह की जो प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर इन दोनों की खराबी होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम होता है। ये जो OLP होता है आपका, ये ख़राब होने का चांस होता है। और उसके अलावा ये जो रिले होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये जो रिले है इसमें साउंड हो रहा है, यानी रिले ख़राब हो चुका है। पर देख सकते हैं ये जो रिले है इसकी ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रिले ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर से सुन सकते साउंड आ रहा है, यानी इसके अंदर कुछ चीज़ रहता है, ये पत्थर रहता है देख सकते हैं, ये टूट चुका है जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर जो है वर्क नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। तो आपको रिले के अंदर इस तरह से साउंड नहीं आना चाहिए। तो देख सकते हैं ये जो इसके अंदर जो चीज़ लगा हुआ है ये टूट चुका है, जिसकी वजह से ये रिले ख़राब हो चुका है। तो यहाँ हमारे पास नया रिले है, अगर इसको हम हिलाएंगे तो देख सकते हैं इसमें से कोई भी साउंड नहीं कर रहा है। तो अगर आपका इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए और रिले को आपको हिला के आपको इस तरह से इसके अंदर साउंड नज़र आए, तो यानी रिले ख़राब हो चुका है। तो आपका ये OLP अभी ख़राब नहीं है, OLP सही है हमारा, फिर भी आप क्वांटिटी से इसका देख सकते हो, क्वांटिटी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक लीड और यहाँ पर एक लीड लगाएंगे तो आपका क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगा। तो आप सीरीज लैंप से भी और मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर ये हमारा रिले ख़राब हो चुका है, तो हम इस रिले को यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम दूर होता है कि नहीं। और इस साइड में आप कहीं पर भी नीचे और ऊपर लगा सकते हैं, मेन लाइन देख सकते हैं। और अब हम कैपेसिटर का जो लाइन है यहाँ पर लगा देंगे। ये हमारा रिले जो है लग चुका है, और इसके बाद कनेक्टर को आपको चेक करना है टाइट है कि नहीं। अभी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा OLP लगता है, तो OLP ऊपर की कनेक्शन जो है इसमें हम इस तरह से ये जो पिन है देख सकते हैं, ऊपर की पिन में हमारा OLP लगेगा। ये जो पिन है यहाँ पर इस तरह से हम उल्टा करके इसको लगाएंगे, लेकिन ये जो पिन देख सकते हैं ये दो पिन नीचे की जो दो पिन है ऊपर लगेगा। तो अभी हम इस कैप को जो है लगा देते हैं। तो अभी हमने कनेक्शन लगा दिया है, तो फ्रिज को ऑन करेंगे। ऑन करो। तो यहाँ पर सुन सकते हैं कंप्रेसर जो है अभी हमारा चल रहा है, और अंदर की तरफ देखेंगे हमारा कूलिंग हो रहा है कि नहीं। अगर कूलिंग होता है तो ये जो जाली है आपका गर्म होता नज़र आएगा, तो धीरे धीरे हमारा गर्म हो रहा है। तो अगर आपके फ्रिज में कंप्रेसर चल रहा है और ये जाली आपका गर्म नहीं हो रहा है, तो यानी फ्रिज में गैस नहीं है। और अगर जाली गर्म हो रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, तो हमें गैस का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आपको इन दोनों चीज़ को चेक करना है। ज़्यादातर ये दोनों OLP और रिले ख़राब होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम होता है, कंप्रेसर ना चलना। तो अभी आ जाएंगे हम फ्रिज के अंदर, और यहाँ पर देखेंगे आइसबॉक्स में हमारा ठंडा हो रहा है कि नहीं, उसमें साउंड आ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं आइसबॉक्स में आपका साउंड भी आ रहा है, सुन सकते हैं आप। तो इस तरह से आपको साउंड नज़र आएगा, आपका फ्रिज अगर चल रहा है कंप्रेसर और ठंडा नहीं हो रहा है, साउंड आ रहा है, यानी गैस नहीं है। और अगर आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है और इस फ्रिज में आइसबॉक्स में साउंड भी नहीं आ रहा है, यानी आपका फ्रिज का रिले OLP ख़राब हो सकता है।